हाँ दोस्तों, आज का वीडियो उन भाई लोगों के लिए है जिनका वीडियो YouTube ने रिमूव कर दिया है किसी वजह से, और वो वजह है दोस्तों वो इन अप्रोप्रिएट कंटेंट की वजह से। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना दोस्तों। तो मैंने ऐसा क्या क्या किया और क्या नहीं किया, और ये इन अप्रोप्रिएट कंटेंट क्या होता है, और किस वजह से यूट्यूब आपकी वीडियो को रिमूव कर देता है पूरे यूट्यूब से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल होल ज्ञान चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन अप्रोप्रिएट कंटेंट होता क्या है। इन अप्रोप्रिएट कंटेंट वो कंटेंट होता है जिसको आपके ऑडियंस ने फ्लैग किया होता है, यानी रिपोर्ट किया होता है, तभी जाकर यूट्यूब आपके वीडियो को रिमूव कर देता है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो है कब होता है, अगर आपके वीडियो में कुछ ऐसे कंटेंट होता है जैसे हार्मफुल, डेंजरस, सेक्सुअल या इररिलेवेंट कंटेंट होता है आपके वीडियो पर, तो जो है ऑडियंस, कुछ ऐसे ऑडियंस होते हैं जो आपके वीडियो को रिपोर्ट कर सकते हैं, और जब रिपोर्ट करता है तो YouTube आपके वीडियो को रिव्यू करता है और देखने के बाद आपके वीडियो को रिमूव कर देता है। ऐसे कंटेंट को इन अप्रोप्रिएट कंटेंट कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, इस वाले चैनल पर नहीं, मेरे पहले वाले चैनल पर कम से कम 4 या 5 वीडियो पर ऐसा हो चुका है। मुझे इन अप्रोप्रिएट कंटेंट की वजह से मेरा वीडियो को परमानेंट यूट्यूब से हटा दिया गया था। और जब भी ऐसा होता है ना दोस्तों, क्या है कि लोग जो है रिपोर्ट करते हैं, कोई कोई लोग फेक रिपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, अब फेक रिपोर्ट और ओरिजिनल रिपोर्ट में फ़र्क होता है। ओरिजिनल रिपोर्ट क्या होता है दोस्तों, कि कुछ कुछ कंटेंट ऐसा होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यूट्यूब पर ऐसे टाइप की वीडियो को अपलोड करते हैं, डेंजरस, हार्मफुल, कुछ स्टंट करने वाला टाइप का जो वीडियो होता है उसको रिपोर्ट करना सही होता है। लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छा होता है और उस वीडियो से बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलता रहता है, तो सामने वाले को क्या होता है, जेलेसी। अब जब जेलेसी होता है तो सामने वाला क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं ताकि उनका वीडियो टेक डाउन हो जाए, यानी रिमूव हो जाए। ऐसे में बहुत सारे लोग जो है होते हैं, मुझे भी पता है, आपको भी शायद पता ही होगा कि जब उस लोग रिपोर्ट करते हैं तो YouTube क्या करेगा, देखेगा और उसे रिमूव कर देगा पूरे YouTube से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है फेक रिपोर्ट अगर करता है तो YouTube वहाँ पर चेक करता है। चेक करने के बाद उस लोग देखते हैं कि क्या उस वीडियो पर इस तरह टाइप का क्या कंटेंट है या फिर नहीं है उस वीडियो पर, ये चेक जरूर करता है YouTube, करने के बाद ही वो रिमूव करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा गया है कि गलती से YouTube ने उनके वीडियो को रिमूव कर दिया है इन अप्रोप्रिएट कंटेंट बताकर। लेकिन वहाँ पर आपको एक मेल भी आएगा दोस्तों, मेल आएगा जरूर, मेल में आपका एक रहेगा अपील फॉर्म भरकर रहेगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होता है। ठीक है, और वो फॉर्म को आपको सीक्वेंसली जो है फिल करना होता है, भरकर सबमिट करना होता है, और उसमें एक्सप्लेन करना होता है कि आपका जो है कंटेंट किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को हिट नहीं करता है, तो प्लीज़ मेरा जो वीडियो है उसे वापस दे दिया जाए मेरे चैनल पर। ठीक है, ऐसा करके आपको एक्सप्लेन करना है, पूरा एकदम लेटर नहीं लिखना है। बहुत सारे ऐसे लोग जो है मुझे कमेंट करते हैं, बोलते हैं सर मैंने ऐसा ऐसा लिख कर सबमिट कर दिया, पूरा 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 एक पेज लिख दिया है। देखिए, एक पेज लिखने का मतलब ये होता है, YouTube क्या समझता है आपको, अगर आपने पूरा एक पेज लिखकर सबमिट किया तो ये समझता है कि YouTube को आप सफाई दे रहे हैं। सफाई दे रहे हैं इसका ये मतलब है कि आपके वीडियो में कुछ तो ऐसा है, तो वो उस लेटर को पढ़ेगा ही नहीं। पहली बात, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने इतना लंबा चौड़ा जो लिख दिया, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। बहुत सारे उन लोगों को क्या लगता है, अपील फॉर्म आता रहता है, तो छोटा सा लिखे, शॉर्ट लिखे, 4 से 5 वर्ड में खत्म कर दीजिएगा लाइन में, जिससे कि उस लोगों को पढ़ भी ले और आपके वीडियो को रिव्यू भी कर ले और आपके वीडियो को वापस भी दे दे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा वीडियो आया था कुछ हाईजैकिंग के रिलेटेड था, कुछ मैंने बना दिया था, खैर उसको मैं यहाँ पे बोलूँगा, जिक्र नहीं करूँगा, करूँगा तो फिर पता नहीं इसमें भी अप्रोप्रिएट आ जाएगा। बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है, शायद बहुत लोगों से ये शब्द निकलेगा भी नहीं, इन अप्रोप्रिएट कंटेंट। ठीक है, तो ये जो है जब आता है तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार हमारे चैनल पर कोई स्ट्राइक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे हमारा वीडियो रिमूव हो गया। लेकिन दोस्तों ये इन अप्रोप्रिएट कंटेंट की वजह से बार बार अगर आपके चैनल पर होता है ऐसा एक्टिविटी, तो आपका चैनल पर स्ट्राइक पड़ेगा, और स्ट्राइक अगर 3 पड़ जाता है तो आपका चैनल जो है रिमूव हो जाएगा। अब दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि मैंने उस फॉर्म को सबमिट किया था, जो आया था अपील फॉर्म, मेरा इन अप्रोप्रिएट कंटेंट की वजह से रिमूव किया बोल के मेल आया था, मैंने उस फॉर्म को सबमिट किया। सबमिट करने के बाद 2-4 दिन मैंने वेट किया, मेरा वीडियो जो है वापस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि मेरा वीडियो में वो था जिस वजह से उस वीडियो को जो है रिमूव किया गया था। अब रिमूव उसी वजह से होता है अगर किसी बंदे को पसंद नहीं आता है, या फिर कोई भी ऑडियंस अगर पसंद नहीं करते हैं आपकी वीडियो को, तो वो
फ्लैग कर देते हैं, बहुत लोग जो है जलन या फिर ईसा बोलते हैं ना उसका वजह से भी करते हैं, लेकिन कुछ कुछ वीडियो ऐसा होता है जिस पर हार्मफुल डेंजरस सेक्सुअल कंटेंट या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी है इरेलीवेंट टाइप का वीडियो बनाते हैं जिससे मतलब कोई लेना देना नहीं, ऐसा टाइप का वीडियो भी बना देता है, ऐसे में भी आपके वीडियो को फ्लैग किया जा सकता है। लेकिन आपको अपील करने का ऑप्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, अपील कर सकते हैं आप, अपील करके एक बार आप चेक कर सकते हैं, अगर कभी आ जाता है तो अपील करके एक बार देख लेना, और अगर मिल जाता है तो इसका ये मतलब है कि आपके कंटेंट में ऐसा कुछ नहीं था, और अगर नहीं मिलता तो समझ जाना कि आपके वीडियो पर ऐसा ज़रूर कुछ था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा गया है कि बहुत लोग जो है अपने वीडियो में क्या बताया है क्या नहीं बताया है उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि इस वीडियो में मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया, तो वो क्या करते हैं, सबमिट ही नहीं करते हैं बहुत लोग। लेकिन मैं उन लोगों को यही मतलब यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार फॉर्म सबमिट करके देखो, क्या पता आपका वीडियो वापस मिल जाए। लेकिन नोटिस, आपके वीडियो में अगर ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जैसे हार्मफुल डेंजरस सेक्सुअल कंटेंट या इरेलीवेंट टाइप का कुछ कंटेंट नहीं बनाया आपने, तो आपका जो है वीडियो वापस दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने बनाया है तो नहीं मिलेगा, उस चीज़ को आपको भूल जाना है। मेरा भी वीडियो वापस नहीं मिला, परमानेंट चला ही गया था। अब किसी को बोल भी नहीं सकते क्योंकि उस सिचुएशन में वो लोग भी सही थे और मैं क्या कर सकता, उसमें मेरा वीडियो चला ही गया तो चला ही गया, उस चीज़ को मैंने भूल गया फिर आगे बढ़ा। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि मेरा वीडियो चला गया, गुस्से में मैंने सारा जो है बैकअप डेटा सबको पूरा रिमूव कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपका बैकअप डेटा रखे रहेगा तो आपको फ्यूचर पर आप ही को काम आएगा। गुस्सा आता है मानता हूँ, लेकिन इस तरह इस वक्त में नहीं करना है, आपको समझदारी से काम लेना है और आगे बढ़ते जाइए, आप उससे अच्छा कंटेंट बनाए। लेकिन जो गलती आपने उस वीडियो में की थी वो गलती को आपको फिर से नहीं करना है, इस चीज़ को आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो जो गलती आपने उस वीडियो में की उस गलती को दोबारा किसी भी वीडियो पर आपको नहीं करना है जिससे कि आपका चैनल पर फिर से उसी तरह का कोई नोटिस आए। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो से कुछ जानकारी भी मिली होगी। अगर वीडियो से कोई जानकारी मिली हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। तो चलिए गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।